जहानाबाद जिले के प्राइवेट रेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां 11 लड़कियां और 10 लड़के को गिरफ्तार किया गया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के कोर्ट स्टेशन के पास रेस्ट हाउस का है। जहानाबाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे और नगर थाना प्रभारी निखिल कुमार के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई है। मामले से जुड़ी जानकारी के मुताबिक जिले के 2 रेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा था। इसकी सूचना मिलते ही जिला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे और नगर थाना प्रभारी निखिल कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहाँ पुलिस ने 11 लड़कियाँ और 10 लड़कों को धर दबोचा। सभी लड़के लड़कियां अलग अलग कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इन दोनों रेस्ट हाउसों में अवैध रूप से बाहर से लड़कियों को बुलाकर गलत काम करवाया जाता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की है, जहां अलग अलग कमरों में कई लड़कियों के साथ कई लड़के भी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं कई कमरों से अलग अलग दवाइयाँ भी बरामद की गई है। अपना आईडी, मेरा एज हो चुका है, बालिक है, हम भी है, मेरा दोस्त भी है, ठीक है। हम आए थे टाइम एक्सपेंड करने के लिए और कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कुछ हुआ है तो मतलब आप लोग आके रेड मार दिए। अच्छा ये बताइए कितने बार आप यहाँ पे आए हैं? हम फर्स्ट बार आए हैं। कितना पैसा लगता था यहाँ पे? फर्स्ट बार आए 1000 रुपया लगा। कितना टाइम देते थे हम लोग यहाँ पे? टाइम हम लोग को 2 बजे निकलना पासपोर्ट ऑफिस। अच्छा भाई, कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम अरवल जिला से हैं, दिल्ली में थे अभी आए। आपके फ्रेंड कहाँ के हैं? जहानाबाद। अच्छा, तो पासपोर्ट ऑफिस में क्या है आप? पासपोर्ट ऑफिस में अपना पासपोर्ट अप्लाई किया। अच्छा, अपना अपॉइंटमेंट है मेरा। तो क्या रूम लेने के लिए कोई आईडी भी जमा करना पड़ता था? आईडी जमा किया है, मालिक है, देख लो। कितने लोग आप लोग हैं? ये मेरा आईडी है। कितने लोग मालिक है? अच्छा, ठीक है। कितने लोग आप लोग हैं अभी यहाँ पे? हम दोनों, हम टोटल कितने लोग पकड़ गए? टोटल लोग को हम नहीं जानते हैं, हम आए हैं अकेला जानते हैं। क्या नाम हुआ? बादशाह। कहाँ घर है? देखिए, ये गुप्त सूचना मिल रही थी कि मतलब इस जगह पे कुछ कमरे जो है वो अनाधिकृत तौर पर जो है वो लिए जा रहे हैं लड़कियों, और इसी के सत्यापन और जांच में हम लोग यहाँ पे आए हैं। इस क्रम में कुछ लड़के लड़कियाँ और कुछ यूज्ड आपत्तिजनक जो सामान है जो मिले हैं, तो इस संदर्भ में पुलिस इसकी जांच कर रही है, और इसमें बड़े पैमाने पर जो ये यहाँ पर सूचना मिल रही थी, तो इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उनकी भूमिका की जांच हो रही है। कितने लड़के कितनी लड़कियाँ? देखिए, ये यहाँ पे अभी करीब 12 लड़कियाँ और 11 के करीब हैं अभी संख्या। हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, वी हैव रेस्क्यूड द गर्ल्स एंड अभी हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं। क्या होटल वाले पर भी कार्रवाई होगी सर? अभी हम लोग इसको देख रहे हैं कि किस लेवल पे ये हो रहा था और उसमें इनकी भूमिका क्या है। जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। सर, पुलिस को सूचना कैसे मिली थी? पुलिस को सूचना का माध्यम गुप्त होता है, जो हम लोग आपको बता नहीं सकते हैं। नहीं, मतलब पहले से भी सब हम लोगों को पब्लिक से इसकी सूचना आज मतलब प्राप्त हुई है, तो उस पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की जी।